प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संभल में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। यह मंदिर संभल के एंकरा कम्बोह इलाके में बनने जा रहा है। इस मंदिर को सफेद और भगवा रंग से सजाया जा रहा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद यह मंदिर सबसे ज्यादा चर्चा में था। आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कल्कि मंदिर विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि को समर्पित है। सनातन धर्म में मान्यता है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्कि प्रकट होंगे। इस लिहाज से यह मंदिर दुनिया भर में अनोखा है, क्योंकि जिस अवतार के लिए मंदिर बन रहा है अभी वह प्रकट ही नहीं हुआ है। इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। इन 10 गर्भगृहों में अलग अलग 10 अवतार स्थापित होंगे। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मंदिर का निर्माण उसी गुलाबी पत्थर से किया जा रहा है जो अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर में इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर में भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। यह मंदिर 5 एकड़ में बनेगा। इसे बनने में 5 साल लगेंगे। सवाल उठता है कि आखिर कल्कि के रूप में भगवान विष्णु क्यों अवतार लेंगे। इस पर धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, पाप और अन्याय बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, तब उनके नाश के लिए कल्कि अवतार लेंगे। इस मंदिर की स्थापना के बारे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने करीब 18 साल पहले संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे वहां कल्कि धाम मंदिर बनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का उल्लेख है और बताया गया है कि कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु कल्कि के तौर पर अवतार लेंगे। बताया गया है कि जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का विष्णुषा नामक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म होगा। वह सफेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से युक्त होंगे।